मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ गिल। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन स्कॉलियोडॉन।
यह चित्र हमें बताता है कि मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। तो मैकेनिज्म में सामान्यतः क्या होगा, हम श्वसन के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन किस तरह से होता है, अब आप यहाँ गौर कीजिए, ये पूरा का पूरा एक मछली का चित्र नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर कट हो गया है। दैट मीन इसका आधा पोर्शन, इधर वाला हाफ जो है इसका राइट हाफ, वह आपको बता रहा है इंस्पायरेशन, है ना। ये आधा भाग क्या बता रहा है, इंस्पायरेशन, अर्थात जब इसे ऑक्सीजन लेना है, तो जैसा कि हमें पता है ये जली जीव है, ऑक्सीजन किस तरह से लेगा, घुलित अवस्था में। घुलित अवस्था में ऑक्सीजन लेने के लिए इसे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पानी अपने मुंह में अंदर लेना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसका फेरिंग्स है, और फेरिंग्स ही इसका गिल चैम्बर भी है, जिसमें फर्स्ट यहाँ पर देखिए, यह वाला गिल जो है ये हॉइट का पोर्शन है, और यह गिल कैसा है, हेमिब्रैंक, क्योंकि इसके आधे भाग पर ही गिल की पटलिका है। अब प्रश्न ये है कि पानी अंदर कैसे आया, तो बात हुई कि पानी मुंह खुला तो पानी अंदर आया, नेक्स्ट कड़ी जुड़ती है कि मुंह कैसे खुला। अब ये मुंह कैसे खुलता है, तो जब इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन के लिए पानी को अंदर आना है, तो उस समय हाइपोब्रैंकियल, हाइपोब्रैंकियल मसल्स संकुचित होती हैं, जिससे मुख खुल जाता है। तो ये यहां पे आप देखिए, यह वाला भाग ये लिप है, है ना। तो इसे यूं भी समझिए, सपोज यह ऐसा रहा, इसमें सपोज ये फिश है ना, फिश का ये वाला भाग, अगर ये माउथ है, अभी माउथ इसका बंद है, तब यहां पर इसके क्या है, यहां पर है इसके गिल्स। तो हाइपोब्रैंकियल इट मींस ब्रैंकियल पार्ट के नीचे वाला हिस्सा, यानी इस तरफ के जो मसल्स हैं वो जब खींचेंगे, इनमें संकीर्णन होगा, उसका परिणाम क्या होगा, आप यहां ध्यान दीजिए कि मुख खुल जाएगा। जब उधर संकीर्णन हुआ, ये वाला भाग इधर चला गया, तो यहां से ये मुख खुल गया। तो हाइपोब्रैंकियल मसल्स के अंदर जब संकुचन होगा, तो उसका परिणाम क्या होगा, मुख खुल जाएगा। जैसे ही मुख खुलेगा, मुख के खुलते साथ ही इसमें पानी यहां पर अंदर चला जाएगा, और उसके साथ ही इधर से तो पानी आ रहा है, फिर ये यहाँ पर इंटरलैमिलर सेप्टम, जो कि हमने संरचना में देखे थे, ये गिल लैमिला के बाहर तक फैले रहते हैं, तो ये सब अपने अपनी तरफ से नीचे की तरफ मुड़कर एक्सटर्नल गिल ओपनिंग, ये ध्यान दें, ये वाला जो ओपनिंग होता है ये एक्सटर्नल है, ये यहाँ पे जितने भी ओपनिंग होंगे वो क्या होंगे बेटा, एक्सटर्नल, और ये वाले जो ओपनिंग है ये क्या है, इंटरनल गिल ओपनिंग। तो अभी इंटरलैमिलर सेप्टम ने क्या किया, नीचे की तरफ मुड़कर टाइटली इस पूरे भाग को, इस फेरिंग्स के हिस्से को बंद कर दिया, और फेरिंग्स में भी कौन सा पार्ट बंद किया, गिल स्लिट्स, तो जिससे अंदर आया हुआ पानी अभी इसके अंदर होके बहेगा, वो इस तरह से कि ये जलधारा आई और यूं जाएगी, इधर की इधर, इधर की इधर, और इसी क्रम में। तब ये जो अंदर आई हुई जलधाराएं हैं, अब ये जो पटलिकाएं हैं यहां पर, इन पटलिकाओं के अंदर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, अर्थात
इस अंदर आने वाले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो पानी में से ऑक्सीजन इनमें चली जाएगी और इनके पास क्या ज्यादा है, इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर यहां से बाहर जाने वाले पानी के अंदर मिल जाएगा। तब ये वाला हाफ क्या क्लियर करता है, इंस्पिरेशन, और उधर वाला भाग क्या क्लियर करेगा, एक्सपायरेशन। तो ये जो पोर्शन होगा नेक्स्ट हाफ वो क्या बताता है, एक्सपायरेशन। अब इसमें देखिए, यहां पर मुख का खुलना और एक्सटर्नल गिल ओपनिंग का बंद होना आवश्यक था, तो हुआ। शुरुआत कैसे हुई, हाइपोब्रैंकियल मसल्स के अंदर जब संकीर्णन हुआ, लिप्स में खिंचाव आया, इनके बीच के स्लिट्स इस तरह से इंटरलैमिलर सेप्टम के द्वारा बंद हो गए, और फिर ये जो इंटरनल गिल ओपनिंग है, यहां पे गौर कीजिए, इंटरनल गिल ओपनिंग इन फिशेस के अंदर बड़े हैं, तो यहां से आया हुआ पानी किधर चला जाएगा, इन गिल्स के अंदर, और तब इसमें डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ले ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी। अब घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहां इस तरह से रहेगा, घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो अब जल बाहर जाएगा इस प्रकार, उसके अंदर क्या ज्यादा होगा, उसके अंदर ज्यादा होगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंटरलैमिलर सेप्टम वापस खुलेंगे, स्ट्रेट होंगे, जिससे एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो क्लियर हो जाए और मुख जो है वो बंद हो जाएगा। तो जिस प्रकार खुलने में हाइपोब्रैंकियल थे, उसी प्रकार बंद होने में भी कुछ मसल्स काम आते हैं। यहाँ लिखिए, एक्सपायरेशन के लिए जो मसल्स काम आते हैं उनमें है, एक तो है एडक्टर मसल, दूसरे हैं इंटर ब्रैंकियल मसल्स, और इसमें कुछ होते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स। तो ये जो दो मसल्स हैं, ये इनका काम तो होता है इनको खोल देना, इंटर ब्रैंकियल इनके गिल्स के मध्य मध्य के जो मसल्स हैं वो इस प्रकार ये इंटरलैमिलर सेप्टम को वापस खींच देंगे, और एडक्टर मसल जो है वो मुख को बंद कर देगा, और फेरिंग्स ऊपर की तरफ उठेगा। फेरिंग्स को ऊपर की ओर उठाने का काम कौन करता है, ये दोनों मसल। इस प्रकार फेरिंजियल फर्श के ऊपर आने से आयतन छोटा हो जाता है, उधर मुख बंद हो चुका है, तो पानी की निकासी के लिए एक ही रास्ता रहता है, वो इस तरह बाहर चला जाता है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर जाने वाले पानी के साथ चली जाती है, उसके साथ ही पूर्ण होता है एक्सपीरेशन।